शोरूम क्रूज फैशन सीधे लोग करते हैं खबरों की भीड़ के हाथों शिकार होने से बाल बाल बचे जग्गू बाउरी और सुनील कुमार राम। पुरुलिया के स्पंदन थाना अंतर्गत अरीटा ग्राम में बच्चा चोरी के संदेह में इन दोनों को भीड़ ने पिटाई कर दी। वक्त रहते स्पंदन थाना पुलिस हरकत में आई और भीड़ से दोनों को बचा लिया। जांच के बाद पता चला कि मेदनीपुर निवासी सुनील राम की पत्नी अरीटा ग्राम ICDS केंद्र में तबादला हुआ, जिसकी जाँच के लिए अपने दोस्त जग्गू के साथ केंद्र पहुंचे थे और भीड़ का शिकार हो गए। शुक्र था कि पुलिस प्रशासन मौके पर सतर्क हो गई, अन्यथा दो लोग बिना वजह भीड़ के हाथों मौत के शिकार हो जाते। ये बाड़ी को था अपना, तो बाड़ी को था दादा, ये जी गाड़ी का ना पुरलिया ये राजा मदर के छेले धरा बोले অভিযুক্ত করছে, তোমরা কি বলতে যারা মিথ্যা অভিযোগ করছে কি মারধর করেছিল আপনারা? পুলিশ যাওয়ার পরে পুলিশ আমাদের উদ্ধার করে এখান থেকে। পুলিশ না গেলে কি হতো? না গেলে মেরে শেষ করে দিত। হ্যাঁ শেষ করে দিত, মেরে দিত। তাহলে এখন কি অন্য একটা গ্রামে যাওয়া কি আতঙ্ক? একদম আতঙ্ক, ভুলো কেউ যেমন জানা আছে অপরিচিত গ্রাম। আপনাদের কি মনে হয়েছিল তখন যখন পরিস্থিতি ঘটেছিল? মনে ঘটেছিল যে আমরা আর বাঁচব না। ক্যা হুয়া থা আজকে? কব তো গিয়া থা, কিস লে গিয়া থা? হম লোগ গয়ে থে, মেরা ওয়াইফ মেদিনীপুর সে ট্রান্সফার লেকে আই ইয়াহাঁ পর। उसका सेंटर आड़िता में देने का बात चल रहा है, तो हमको वहाँ का मैडम सुपरवाइजर जो है वो हमको बताई कि वहाँ पर जाके सेंटर देख ले। वही हम लोग देखने के लिए गए थे, देखने के लिए गए बस्ती, बस्ती से फिर वापस आते समय बीच बस्ती में हम लोग को पकड़ा गया। क्या पसंद किया लोग? बच्चा चोर। फिर क्या क्या किया आपको? मारपीट किया, अटक भी किया। अटक किया? अटक मैंने मारपीट थोड़ा बहुत किया है। घर में बंद के कर रखा था? हाँ, बंद करके रखा। फिर रेस्क्यू कैसे हुआ आप? हाँ हम लोग का थाना का पुलिस सब गया तो छोड़ा गया। शुक्रवार को राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिए जाने के बाद से ही CBI और राजीव कुमार को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। पी चिदम्बरम वाले केस के बाद अब राजीव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर भी रस्साकसी का माहौल बनता दिख रहा है, जहां रविवार को नवान CBI अधिकारी पहुंचकर चिट्ठी देते हैं, तो वहीं सोमवार को ज्वाइंट डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव कोलकाता सॉल्ट लेक CGO कॉम्प्लेक्स स्थित CBI दफ्तर पहुँचते हैं। फिलहाल राजीव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। কেসের ব্যাপারটা আমি কিছু বলতে পারবো না, যেহেতু কেসটা CBI ডিল করছে এবং রাজীব কুমার পার্সোনাল ম্যাটার, আমার সাথে কোনো যোগাযোগ রাজীব কুমার হয়নি আর এই কেসে পাবলিক প্রসিকিউটর নই। কিন্তু কোর্টের ব্যাপারে বলতে পারি, আমাদের শনিবার কোর্ট ছুটি ছিল, রোববারে কোর্ট ছুটি ছিল, কোর্ট আজকেও বন্ধ। আমাদের একজন বার কাউন্সিলের এক্স ভাইস চেয়ারম্যান সৌগত মুখার্জি মারা গেছে, সেই জন্য সারা বাংলায় বন্ধ, নট অনলি মহাশয় সারা বাংলা বন্ধ। সুতরাং আজকেও কোনো কেস ফাইল হবে না, এই তিন দিনে কোনো কেস ফাইল হয়েছে বলে আমার জানা নেই, সম্ভবত কোনো কেস ফাইল হয়নি। না বৃহস্পতিবার শুক্রবার ফাইল হলে হয়তো আমার নলেজে আসত। শনি রবিবার হয়নি, শনিবার কোর্ট ছুটি, আজকেও বন্ধ।
আজকে আমরা কোনো কাজ করতে পারবো না, কেউ কোনো লয়ার ছাড়া, বাংলায় কোনো লয়ার কোনো কাজ করতে পারবে না। ফাইলিং সেকশন ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট জাজের কাছে কিন্তু সরাসরি যেতে পারে না, ফাইলিং সেকশনে ফাইল করে যেতে হবে। যাবে না ইমিডিয়েট প্রেফার দ্য অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন ধরনের হাই কোর্টে একটা গেল এখানে জুডিশিয়াল নেই ডিস্ট্রিক্ট জজের কাছে যেতে পারে সেকশনে যাওয়ার জানা নেই যদি কোর্ট থাকি কোর্ট কোর্ট সেকশনে যাওয়ার জানা নেই শান্তবাদা আর একটা পজিশন দিতে পারে উনি স্যান্ডেল করতে পারেন হাই কোর্টে 438 অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন স্যান্ডেল না করে জামিনের জন্য কি লোয়ার কোর্টে আসতে পারে না হ্যাঁ 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 সে পজিশন আছে আছে আমি বলছি আপনাকে যদি সাধারণ আবেদন মামলায় হয়ে থাকে আর যদি সেই মামলা এখানে পেন্ডিং থাকে বা সাথে তাহলে কোন রাইট আছে এখানে স্যান্ডার করবেন বাই পে করবেন प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन रविवार को धनबाद सर्किट हाउस निजी कार्यक्रम में पहुंची। अखिल भारतीय साहू वैश्य महासभा झारखंड प्रदेश के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया था। यहाँ साहू वैश्य महासभा की ओर से जो एक सम्मान समारोह बच्चों का रखा गया है उसके लिए आमंत्रित किया था, उसी के लिए चीफ गेस्ट के रूप में माँ जसोदा बहन आई है। बस सिर्फ यही कार्यक्रम है, बाकी जो यहाँ कुछ दार्शनिक स्थान है उनको देखेंगे और कल उनकी परसों रवानगी होगी सुबह। यानी दो दिनों तक बस ठीक सब हो गया था। लोगों को कुछ संबोधित भी करेंगे क्यों? नहीं संबोधित, क्योंकि उनको लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है, वो हिंदी समझते नहीं है और गुजराती यहाँ बोलेंगे तो लोग समझ ना पाएंगे, तो इसलिए वो कोई देंगे नहीं। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ लिख के दो शब्द वो बोल दें तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा सर, एक चिंता है जो आई है बेस्ट समाज के प्रोग्राम का, मैंने कुछ आप लोगों को नोट दिया गया है कि आखिर क्या प्रोग्राम क्या है उन लोगों को जिसमें इनको खास करके भाई बच्चों को सम्मानित करने का प्रोग्राम है ना। हाँ उसी के लिए साउथ वैश्य महासभा जो आ रहा रजत जो है गुप्ता उसके द्वारा ये आयोजित है प्रोग्राम उसके अंदर चीफ गेस्ट। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी श्रीमती यशोदा बेन का मैथन संजय चौक पर स्वागत करते हुए भाजपा नेत्री अनीता गोराई व जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन गोराई यहां से उन्हें मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए ले जाया गया। उसके बाद मैथन चेयरमैन बंगला में जलापन करवाया गया। अरे आप कहे बीच में बार घुसे रहे, क्यों घुसे रहे बीच में आप? सोमवार को पुलिस लाइन से थोड़े से दूरी पर स्थित आराधना कम्प्लेक्स के बाहर दिन दहाड़े तुसी चक्रवर्ती की टीवीएस विक्टर ब्लू रंग की गाड़ी चोरी हो गई। घटना की खबर पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। महिला का कहना था कि वो सिम लेने के लिए दुकान में गई और 10 मिनट के अंदर ही उसकी गाड़ी चुरा ली गयी। कहाँ कहाँ से हैं मैम आप? अपर जली डांगा से। अच्छा, और कितने बजे आपने गाड़ी यहाँ पर पार्क किया था? अभी से 10 मिनट पहले एकदम। अच्छा। सिम लेने के लिए जस्ट अंदर गए और सिम हुआ लेके बाहर आए कि गाड़ी नहीं है। और बाइक था या स्कूटी था मैम आपके? बाइक था, टीवीएस विक्टर ब्लू कलर का। गाड़ी रख के अंदर गए थे सिम लाने के लिए, 10 मिनट भी नहीं हुआ और आके देखते हैं गाड़ी नहीं है। क्या गाड़ी था? टीवीएस विक्टर था। गाड़ी का नंबर क्या है? नंबर याद नहीं है मुझे। कौन से कलर का गाड़ी है आपका? ब्लू कलर का। और किस जगह पर ये है? जगह बोलो। आराधना कॉम्प्लेक्स। नियर सैमसंग शोरूम।
सर, क्या नाम हुआ आपका? सूर्यजीत चक्रवर्ती। और कहाँ कहाँ से हैं सर आप? आसनसोल। और गाड़ी का नंबर बताइएगा सर। WB38AK3788। कितने बजे आपने गाड़ी लगाया था सर? अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी तो डेढ़ बज रहा है। नहीं, एक पौने एक बजे, साढ़े बारह पौने एक। और गाड़ी का कलर क्या है सर? ब्लू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सिटी स्टाइल, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम। पूजा के आगमन पर सिटी स्टाइल दे रहा है धमाकेदार ऑफर। लेडीज जेंट्स किड्स वेयर के नए कलेक्शन के साथ लाभ उठाएं आकर्षक ऑफरों का। मात्र 300 रूपए की खरीदारी करने पर आप जीत सकते हैं एक चमचमाती कार, बाइक, रेफ्रिजरेटर, टीवी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। साथ ही 2000 से लेकर 30,000 रूपए तक की खरीदारी करने पर पाए निश्चित उपहार। तो इस बार पूजा में मचाए धमाल सिटी स्टाइल के आकर्षक ड्रेसों के साथ। सिटी स्टाइल ट्रैफिक मोड, जीटी रोड, आसनसोल। क्रूव्स फैशन, शिल्पांचल में यूं तो कपड़ों की दुकानों की भरमार है, लेकिन क्रूव्स फैशन की बात ही कुछ और है। जहां लेडीज के लिए ऑल टाइप ऑफ साड़ी, लहंगा, कुर्ती, प्लाजो, गाउन, सूट, ऑल टाइप ऑफ जींस, वहीं जेंट्स के लिए फॉर्मल शर्ट, पैंट, टी शर्ट, बरमूडा, जींस मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध है। साथ ही साथ पूजा ऑफर में 20% तक की छूट और अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, तो आज ही आएं। हमारा पता है मुर्गा सॉल, जीटी रोड, ऑपोजिट मालती मंगल प्लाजा, आसनसोल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रण ले अपनी आसनसोल को इस खतरे से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलिथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलिथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान, मसाला, गुटखा, धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा ना फेंके। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंके। और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण ले क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इंफोकॉम में। एसके इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना एसके इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एसके इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। मंगलवार को पूरे देश के साथ शिल्पांचल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की 69वीं जन्मदिन मनाया गया। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मां प्रतिबंध स्कूल में 100 बच्चों के बीच फल, मिठाइयां वितरित की गई। यहां महिला मोर्चा की अध्यक्षा आशा शर्मा सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। वीडियो
आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कुल्टी कॉलेज परिसर में शुद्ध शीतल पेयजल रिजर्वर का उद्घाटन किया। शुभ उद्बोधन हो नील नामक जो वाटर रिजर्वर प्यूरिफायर एवं ठंडा जल मेसिन कुल्टी कॉलेज प्राक्तन छात्र जतीन गुप्ता निजे आर्थिक सहयोगिता आज के स्थापन कर लें। 1.5 लाख की लागत से बनाए गए रिजर्वर कुल्टी कॉलेज के छात्र जतीन गुप्ता अपने खर्च से किए, जिसकी खूब तारीफ मेयर जितेंद्र तिवारी ने की। साथ ही कॉलेज के टूटे बाउंड्री वॉल का कार्य जल्द करने की बातें कही गई। आसनसोल नगर निगम के 2 सफाई कर्मी को रोज सफाई करने का निर्देश भी दिया गया। यहाँ मुख्य रूप से मीर हासिम, संजय नूनिया और वार्ड 19 के पार्षद राजा चटर्जी उपस्थित थे। সবাই মিলে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের এই যে মানসিকতা যে কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও কলেজের প্রতি তাদের যে টান, তাদের যে ভালোবাসা, এটা যেন বজায় থাকে এবং আমি মনে হচ্ছে আমি ফিল করি যে তাদের মধ্যে যে স্পিরিট আছে, এই স্পিরিট অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা যা আছে, যে অন্যান্য কলেজে যারা এক্স স্টুডেন্ট আছে তাদের মধ্যে যদি ছড়িয়ে যায় তাহলে মনে হয় যে স্বপ্ন মানে বিভিন্ন কলেজে যে পরিবেশে স্বপ্ন আমরা দেখি বা যে ধরনের পরিবেশ আমরা চাই সে পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারি। আমাদের কলেজের যে আমাদের ছোট বউ ছোট ভাই বোনরা আছেন যে কলেজের রানিং স্টুডেন্ট, ওনাদের একটা দীর্ঘদিনের আমাদের কাছে একটা ডিমান্ড ছিল কি আমাদের দাদা আমাদের জন্য একটা ঠান্ডা জলের একটা ব্যবস্থা করে দিন। সেটা মাথাতে রেখে আমরা আজকে মাননীয় মেয়র শ্রী জিতেন্দ্র তিওয়ারির হাত দিয়ে ওই প্রজেক্টটা আমরা উদ্বোধন করিয়েছি। কত টাকার বাজেট এটা? এটা প্রায় 1,25,000 টাকা। আগামী দিনে আপনি কলেজের নিয়ে কিছু আরও চিন্তা ভাবনা করেছেন? আমাদের তো চিন্তা ভাবনা অনেকই আছে, দেখা যাক আমরা কতটা এটা। आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। नमस्कार।